हाय फ्रेंड्स, आप सबको मेरे किचन में स्वागत है। आज एक लड्डू का रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये है चूरमा लड्डू। लड्डू तो हम सबको ही बहुत फेवरेट होता है, और ऐसा लड्डू जो मुंह के अंदर जाते ही घुल जाए तो वो लड्डू खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए, ये मुंह में घुलने वाला चूरमा लड्डू का रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले ये थाली ले लिया, इसके अंदर 2 कप गेहूं का आटा डाल देंगे। ये जो गेहूं के आटा मैं यूज़ कर रही हूँ, ये नॉर्मल गेहूं के आटा नहीं है, जो हम डेली बेसिस में रोटी के लिए यूज़ करते हैं। ये जो आटा आप देख रहे हो, इसका गेहूं को मैं चक्की से पिसवा के लाई। ये थोड़ा दरदरा से पिसी जाती है। आपके पास गेहूं को पिसवाने का सुविधा नहीं है तो आप नॉर्मल आटा से ये रेसिपी बना सकते हो। 1/4 कप सूजी मैं इस गेहूं के आटा के अंदर मिक्स करूंगी। ये बारीक वाली सूजी है। सूजी मिक्स करने से लड्डू के अंदर एक क्रंच टेस्ट आता है। इसी के साथ 2 टेबलस्पून बेसन भी मैं ऐड कर दूंगी। बेसन डालने से एक सौंदा सा खुशबू भी आती है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। अभी इस आटा के अंदर मैं 1/4 कप घी ऐड करूंगी। ये घी जमा हुआ बोल के आपको थोड़ा कम लग रहा है, अगर पिघला के लेंगे तो पूरा 1/4 कप ही होगा। अब घी को मैं पूरे आटा के अंदर अच्छा से मिलाऊंगी। मैं यहाँ पे मोयन के लिए घी यूज़ कर रही हूँ। आप अगर चाहो तो ऑयल से भी ये मोयन दे सकते हो, बट चूरमा लड्डू घी में ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अभी देखिए, आटा को हम चेक कर रहे हैं, ये आटा अच्छा से बांध रहा है, मतलब मोयन हमारा परफेक्ट है। अभी गुनगुना गर्म पानी डालते हुए इस आटा को हम गूंद लेंगे। गुनगुना गर्म पानी इस आटा के अंदर मिला रहे हैं ना, तो सूजी जल्दी से फूल जाएगा। आप चाहो तो नॉर्मल वाटर से भी ये आटा गूंद सकते हो। इस आटा को हमें कड़ा गूंदना है, बस आप आटा का एक डो लगा लीजिए। अभी इस आटा से छोटा सा पोर्शन हम ले लेंगे और अपने मुट्ठी में दबा के ऐसे हम मुठिया बनाएंगे। बहुत ही ईजी है, बस अपने मुट्ठी में इसको प्रेस करके ऐसे शेप देना है। पूरे आटा से ही मैं छोटा छोटा पोर्शन तोड़ के इसका मुठिया बना लूंगी। इस आटे का डो का मैं पूरा मुठिया बना लिया। ये देखिए, मुठिया रेडी है। अभी इन मुठिया को हम गैस के पास लेके चलेंगे, इसे हमें फ्राई करनी है। इन मुठिया को मैं घी में फ्राई करूंगी। आप चाहो तो ऑयल का भी यूज कर सकते हो। अभी ये कढ़ाई का घी जैसे ही पिघल के थोड़ा गर्म होगा, हम तभी मुठिया इस कढ़ाई के अंदर डालेंगे। यहाँ पे एक बात मैं शेयर करती हूँ, घी ना आप ज़्यादा गर्म मत कीजिए, थोड़ा सा गर्म होने पे ही आप मुठिया डाल दीजिए। गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू लो करके रखेंगे और धीरे धीरे इन मुठिया को हम फ्राई करेंगे, जैसे मुठिया के अंदर तक फ्राई हो जाए। एक बैच मुठिया जैसे ही फ्राई हो जाएगा, मैं इसको उठा लूँगी। पहले देखिए, मैं एक थाली ले लिया और थाली के ऊपर एक छन्नी रख दिया। इसी छन्नी के ऊपर पूरा मुठिया मैं उठा के रख दूंगी। मैं यहाँ पे चूरमा लड्डू के लिए मुठिया का शेप दिया और उसको डीप फ्राई किया। आप चाहो तो डो को रोटी का टाइप बना सकते हो। थोड़ा सा मोटा साइज का आप रोटी बना लीजिए और उसको अच्छा से सेंक लीजिए, फिर आप उससे चूरमा लड्डू बना लीजिए। देखिए, मुठिया यहाँ पे फ्राई हो गया। अभी इन मुठियों को हमें थोड़ा सा ठंडा करना है। जैसे ही थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा, मैं एक थाली लेके आई। थाली के ऊपर हम तोड़ तोड़ के सारे मुठियों को रख देंगे। ये जो मुठिया हम तोड़ रहे हैं ना छोटे टुकड़ों में, एक्चुअली हमें इसको ब्लेंड करना है। और यहाँ पे मैं एक मिक्सिंग जार लेके आई और इसी जार के अंदर थोड़ा सा मुठिया हम डाल देंगे। अभी इन सारी मुठियों को हमें फाइन पाउडर नहीं बनानी है, इसको हमें थोड़ा दरदरा रखना है। अभी इन सारी मुठियों को हमें छानना है, तो इसके लिए एक थाली के ऊपर मैं छन्नी रख दी और जो मिक्सिंग जार के अंदर हमारा मुठिया का पाउडर है उसको हम ऐसे छान लेंगे। और ये देखिए, छानने के बाद यहाँ पे 12 पीसेस में मुठिया रह गया। इसको वापस से मैं मिक्सिंग की जार के अंदर डाल दूंगी। सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए पूरे मुठिया को हम छान लेंगे। और ये देखिए, लास्ट में मुठिया का ये पीसेस रह गया था, तो मैं इसको मिक्सिंग जार के अंदर एक बार ब्लेंड कर लिया, फिर वापस से मैं थाली के अंदर डाल दिया। चूरमा लड्डू का बेस यहाँ पे रेडी है। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। गैस के ऊपर कढ़ाई बैठा दिया और कढ़ाई के अंदर 1/4 कप घी ऐड कर दिया। ये घी जैसे ही गर्म हो जाएगा, मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करूंगी। इस चूरमा लड्डू के अंदर आलमंड्स एंड काजू को डालेंगे।
आपका जो भी पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स हो उसी से आप ये चूरमा लड्डू बना लीजिए। कढ़ाई के अंदर आलमंड्स एंड काजू को डाल दिया। अब इसको मैं 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी लो फ्लेम में। जैसे ये सारे चीज़ अच्छा से फ्राई हो जाएगा मैं इसको उठा के एक थाली के ऊपर रख दूंगी। चलिए ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गया, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। कढ़ाई के अंदर जो रिमेनिंग घी है तो इसी घी के अंदर हम लोग जैगरी ऐड करेंगे। इसी कप का मेज़र करके मैं 2 कप आटा लिया था तो 1 कप जैगरी मैं ऐड कर दिया और घी भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाला। जो कढ़ाई के अंदर रिमेनिंग घी था उसी घी के अंदर मैं जैगरी ऐड कर दिया। ये जैगरी को मेल्ट करने के लिए हमें कोई वाटर नहीं डालना है, ये जैगरी घी के अंदर ही मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही जैगरी अच्छे से मेल्ट हो गया मैं कढ़ाई को गैस से नीचे उतार दिया और इसी कढ़ाई के अंदर हमने चूरमा लड्डू का जो बेस बना के रखा था वो भी डाल दिया और सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिया। 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे और ये जायफल है इसको मैं घिस के इस कढ़ाई के अंदर डालूंगी। एक्चुअली इस नाटमेग का पाउडर ना इस चूरमा लड्डू के अंदर बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा नाटमेग को ही आप घिस के डालिए क्योंकि नाटमेग बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है। अब कढ़ाई के अंदर जो सारी चीज़ मैंने डाला तो सारी चीज़ों को अभी हम अच्छे से मिलाएंगे। जैगरी जैसे ही गर्म रहेगा उसी स्टेज में आप सारी चीज़ों को मिला दीजिए। जैगरी जैसे ही ठंडा हो जाता है वो थोड़ा सा जम भी जाता है। जैसे ही सारी चीज़ अच्छे से आपस में मिल गया मैं इसका लड्डू भी बना लिया। लड्डू बनाना तो सबको ही आता है, थोड़ा सा पोर्शन आप ले लीजिए और अपने दोनों हाथों में ऐसे प्रेस कर लीजिए और देखिए लड्डू हमारा रेडी हो जाएगा। 1 लड्डू जैसे ही रेडी हो जाएगा मैं इसको थाली के ऊपर उठा के रख दूंगी। फिर 2nd या 3rd लड्डू हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए बना लेंगे। कढ़ाई का मिक्सर जैसे थोड़ा थोड़ा गर्म रहेगा उसी स्टेज में आप चूरमा लड्डू बना लीजिए। घर के अंदर ही आप अगर ऐसे ही चूरमा लड्डू बना के रेडी करेंगे तो बाहर से कोई भी लड्डू खरीद के खाने का मन नहीं करेगा। देखिए पूरा चूरमा लड्डू यहाँ पे बन के रेडी है। अभी आप इसको खसखस से कोट भी कर सकते हो। तो 1 बोल के अंदर मैं खसखस ले लिया और 1 लड्डू खसखस के अंदर ऐसे डाल के आप घुमा दीजिए और देखिए ऐसे चूरमा लड्डू भी सर्व किया जाता है। चूरमा लड्डू बनने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से सर्व भी करूँगी। 2nd प्लेट ले लिया और इस प्लेट के अंदर 1-1 करके चूरमा लड्डू को मैं सर्व कर दिया। फ्रेंड्स आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो 1 लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोग खुश रहिए, आनंद में रहिए। मैं मिलूंगी अपने कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।